गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये करवा चौथ के दिन का वीडियो है, तो अभी थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि 3 बजे के आसपास सोए हुए थे, तो सोचा था सर दर्द ना हो इसलिए जल्दी नहीं उठे। तो फिर उसके बाद सबको चाय बना के दी, झाड़ू पोछा कर लिया है, अब जा रही हूँ। दाल नहीं भिगोई थी तो दही बड़ा के लिए दाल भिगो के रख लेती हूँ। और इसी भगोने में ना पीहू के लिए नहाने के लिए पानी रख दूँगी। कुहू तो बीमार हैं तो उनको दवा दी है तो थोड़ा ठीक है, लेकिन आज उनको बस कपड़े चेंज कराऊँगी। पीहू को थोड़ा कम है तो उनको नहलाऊँगी पानी गर्म करके, और दोनों बच्चे नहा चुके हैं अभी। और आज मैंने ना पीहू को बोल रखा है कि मुझे परेशान मत करना, ज़्यादा मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करना, सर दर्द कहीं स्टार्ट ना हो जाए। अभी मैं छत धो ले रही हूँ पूजा के लिए, कोई आएगा भी नहीं, नहाने के पहले धो लूँगी वरना फिर करूँगी तो गीले हो जाऊँगी। और जा रहे थे बेडशीट चेंज करने के लिए, तो जैसे ही मैं जा ही रही थी वैसे ही कुरियर बॉय आ गया। मैंने ये मंगाया हुआ था तो मुझे लगा था ये कॉटन में है, पर ये ग्लेस कॉटन है। मैं ग्लेस कॉटन ना यूज नहीं करती तो नहीं चाह रही थी, फिर कलर अच्छा लगा और टाइम से आ गया तो मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम यूज ही कर लेती हूँ। तो अभी वो बेडशीट चेंज कर ले रही हूँ और इसके बाद नहाऊंगी जाके। नहा धो के आ चुकी है किचन पे, और मैं किचन में ना मोस्टली इसलिए नहीं बोलती हूँ, वही सॉरी इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ना पास में ही है कॉलोनी, पास पास है यहाँ पर, और मेरा किचन जो है ना बाहर के साइड है तो गली की सारी आवाज़ें आती रहती हैं। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और ये देखिए मेरी मेहंदी सारी तो इधर से गायब, मैंने लगाई ऐसे है कि वो इस साइड चली गई है, ऐसे दिखाती हूँ फ्रेंड से। ये हो गई और इस साथ भी हो गई है, और बैक ये, और इस साथ में मैंने वही 10:30 बजे के आसपास मैंने शुरू किया था और 12 बजे के आसपास 12:15 बजे ख़त्म हो गया था। अब मुझे ना लेफ्ट हैंड से राइट में लगाना था तो मैंने पहले इसको सुखाया कि ये सूख जाए। सूखने के बाद जब करीब 1:45 बजा तब स्टार्ट किया, तो लेफ्ट मैं लेफ्टी नहीं हूँ ना तो बनता नहीं है, फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम होती तो खाना भी इससे खा लेती हूँ, काम भी थोड़े बहुत कर लेती हूँ। तो मैंने लेफ्ट वाले से राइट पे किया ना, और थोड़ी सोचा अच्छी लग जाए, इसलिए करते 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 मुझे ना करीब बज गया था, 2:30 बज गया था तब जाके सोई हूँ। तो थोड़ा लेट से उठे थे कि नींद पूरी हो वरना सर दर्द हो जाएगा, चाय भी नहीं मिलेगी पानी भी नहीं मिलेगा, तो सर दर्द ना हो इसलिए थोड़ा सा लेट उठे। तो धीरे धीरे काम भी लेट से ही हो रहे हैं, काम भी बहुत सारे हैं, तो जा रहे हैं पूजा की। सबसे पहले पूड़ियाँ बनाऊँगी, उसके बाद खाना, फिर कच्चा वाला खाना जो बनता है तो वो भी ज़रूरी होता है तो वो भी बनाएंगे। सभी को फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मेरा किचन का काम स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं गौर के लिए और अपने करवा के लिए 4 पूड़ियाँ बनाऊंगी, और उसके बाद घर के लिए बनाऊंगी। शर्मा जी तो जा चुके हैं, पीहू और कुहू हैं वो खाएंगी, आज स्कूल नहीं गई हैं, दोनों लोगों को ही फीवर थोड़ा थोड़ा अभी है, कुहू को ज़्यादा था पीहू का कुछ कम हो गया है, तो फिर दोनों ही स्कूल नहीं गई हैं आज। और लास्ट ईयर संडे था तो उस बार भी थी, लेकिन उस बार इन लोगों ने ना मुझे बहुत परेशान किया था तो मुझे बहुत सर दर्द हुआ था, इस बार नहीं है। क्या बता रहे हो? यहाँ आओ बताओ अभी। आज आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया, यहीं बैठा पड़ा है ना। मैं छूना है, मेरे मुना है, मेरी चाबी है, मैं आपकी क्या हूँ? परी। परी हूँ मैं। आज लिप्स भी ले लेना, मैं फास्ट हूँ, टूट जाएगा जूठा हो जाएगा, जूठा हो जाएगा फास्ट। हाँ फास्ट है आज।
तो अब काम स्टार्ट हो गया। अभी से मुझे शाम हो जाएगा करते करते, और जा रही हूँ खीर बना लूँगी। और इन लोगों को ना वही खाना देने के लिए गए थे तो कुहू थोड़ी देर बात करने लगी थी, वरना तो शाम तक फ्री ही नहीं हो पाए थे। तो खीर उस साइड भगोने में चढ़ा रहा, एक साइड पनीर बना लूँगी, और खीर के लिए ड्राई फ्रूट काटने थे तो काट लूँगी। आज चाकू से गरी नहीं घटूँगी, ऐसे कद्दूकस करके कर लिया, अच्छी भी लगती है और दूसरे टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो खीर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और साइड में पनीर भी बन चुका है। पूड़ियाँ मैंने पहले ही बना के रख ली थी, तो अभी तो खाने का सारा इंतज़ाम हो चुका है। अब जाऊंगी कढ़ी चावल रोटी बनाने के लिए, तो ये जो बर्तन है वो थोड़े खाली कर लूँगी, सारा कुछ पलट। और इसके बाद सारी जो दाल थी धुल के मैंने पीस ली थी, और अब दही बड़ा बना लेती हूँ। और मुझे अपने किचन में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खाना बनाते बनाते ना सामने देखे कितना ग्रीन सा है, सब कुछ ग्रीन ही देख देख के ना मुझे अच्छा लगता है। और खाना बनाते जाओ देखते जाओ, पहले तो ये नहीं इतना अच्छा था, फिर शर्मा जी ने स्टार्टिंग किया पेड़ वेड़ एक दो लगाना, फिर सारे मोहल्ले वालों ने भी लगाया है, तो अभी तो पूरा पार्क ना एकदम ग्रीन हो गया है। दही जमाया था मैंने तो कम जमा था पहले, तो मुझे लग रहा था कि टाइम से जम पाएगा कि नहीं, खैर जम गया था। तो अभी थोड़ा कढ़ी के नील निकाल लिया है, और जो बचा हुआ है उसको दही बड़ा मैं यूज कर लूँगी, और जो मैंने बनाया था वो बच्चों को दे दूंगी। पहले मैं भी भीगा हुआ नहीं खाती थी, ऐसे ही सूखा वाला खाती थी, वैसे मेरे बच्चे भी सूखा वाला ही खाते, भीगा हुआ नहीं खाते हैं। तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती है जब मैं बनाती हूँ, कभी कभी आ ही जाती है कि वो व्रत रहा करती थी तो मैं बनाती थी और मैं खाया करती थी। तो अभी मैं व्रत रहती हूँ, बनाती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं। और कढ़ी भी बन गई है, अब इसको भी बना के ना अलग रख लूँगी, और इसके बाद बस बचेगा चावल और रोटी, तो वो बना लूँगी फटाफट से। अभी तो खाना बना के अभी किचन साफ करेंगे, पूजा की तैयारी करेंगे, फिर जब चंद्रमा निकलेगा तब पूजा करेंगे। अभी तो टाइम है, लेकिन काम करते करते टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों? जरा सा रेस्ट करने आए 5 मिनट, फिर चले करे चल के। और ये नहीं कि पूजा करनी है तो जाओ बर्तन ही धो आओ जाके, थोड़े पड़े हैं, जाओ जाओ किचन में ढेर लगा है बर्तन का, धो जाके। मम्मा की हेल्प नहीं करोगी? बस ऐसे मम्मा माय बेस्ट मम्मा बस यही चिल्लाती रहती हो। काम वाम करके आओ थोड़ा, तो पता चले कि मम्मा बेस्ट है। चलो बेस्ट है तो बेस्ट तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। मैं तो कुछ दिखाई थी। क्या दिखाई थी करके? मैंने 3 बार बर्तन धुले। 3 बार बस कर जाओ। कौन कब धोई थी भाई? और पार्टी में बदनाम कर रहे हैं कि मम्मी काम नहीं करती है। आए राम। अच्छा बताओ धोई हो आज तक? 4। अच्छा याद आया हमको, वाश बेसिन में एक कटोरी धोई थी अपनी, तो बर्तन धोया था उसको कहते हैं। हे भगवान, एक ग्लास। ओह हमने तो देखा ही नहीं था, एक ग्लास एक कटोरी में 3 दिन बर्तन धोई है। अब मम्मी हाँ। वो दोपहर को धुला था हमने। क्या दोपहर? ग्लास दोपहर में धोई, शाम में धोई, हमें क्या मतलब? शौक में जाके एक ग्लास धोया ही तो बता रही हूँ, बर्तन धो डाला, पूरा सिंक भरा पड़ा उसको धो जाके। ओए मैडम, ए मैडम सुन रही हो? वो पूरा सिंक भरा पड़ा, धुलो जाके जाओ। धुल चुकी हूँ। धुल चुकी हूँ
और फिर वो पढ़े कौन से हैं, जल्दी बताओ कौन से पढ़े। कोई नहीं पगली, चिंता बड़ी, मम्मी पूजा कर लो शाम हो गई और काम नहीं करा सकती है एक दिन कि करा ले, है ना गंदी बच्ची। खाना बनाते बनाते 12:30 से मुझे 5-5:30 बज गया था, तो उसके बाद ज़रा देर में लेट गई थी कि उसके बाद आ गए हैं, किचन क्लीन कर लिया है और ये देखिए बर्तन का ढेर लगा हुआ है, अब जा रहे हैं बर्तन धुलेंगे जाके। इसके बाद खाना मैंने बहुत सारा बना के रख लिया पर खाया किसी ने नहीं है, शर्मा जी हैं नहीं, बच्चों ने थोड़ा खाया है बस। तो खाने में मैंने दही बड़ा बनाया है, साथ में थोड़ा पनीर बना लिया है, पीहू को पसंद है, कढ़ी नहीं खाती हैं, और खीर बनाई है तो थोड़ी गाढ़ी हो गई है, दोपहर में बनी थी, इसको मैं दूध डाल के थोड़ी पतली करूँगी, और चावल बना लिया है और कढ़ी बनाई थी थोड़ी बच्चों के लिए, मैंने उसको अलग करके रख दी है, और मुझे ना हल्की सी मसाले वाली पसंद है, तो मैं और शर्मा जी दोनों खाते हैं कड़वी वाली थोड़ी, और साथ में कुछ रोटियां नीचे रख रखी हैं और पूड़ियां। हो चुका है खाना सारा, अब बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, और करते करते कब टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो किचन क्लीन हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, अभी मैंने करवा नहीं अपना साफ़ किया था, अभी जाके निकाला है और उसके बाद क्या कहते हैं धुल लिया था, और छत पे कुछ बनाना है पूजा के लिए तो वही बना रही हूँ, यहीं पर मैं पूजा करूँगी। और मेरा करवा चौथ का वीडियो देखने के लिए इसका पार्ट 2 देखना मत भूलें, तो मिलते हैं आप सभी से पूजा वाले वीडियो में।